नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। छठ महापर्व के दौरान बिहार के अलग अलग जिलों से अब अलग अलग घटनाओं की तस्वीर जो है वो सामने आने लगी। पहली घटना आपने देखी कि किस प्रकार बिहार के लखीसराय जिले में छठ के अंतिम दिन खून की होली खेली गई। एक युवक के द्वारा एक ही परिवार के तमाम लोगों पर गोलीबारी कर दी गई। दो लोगों की मौत की खबर है और चार लोगों के घायल होने की सूचना है। तो वहीं बेतिया में भी सिलेंडर ब्लास्ट होने के चलते 9 से 10 लोगों के घायल होने की सूचना है और उन्हें भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो देखिए एक और बड़ी खबर, छठ पूजा के दौरान एक विवाद में गोलीबारी की घटना सामने आई है और ये घटना जो है हाजीपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पटाखा फोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद गोलीबारी तक जा पहुंचता है और उसके बाद कई लोगों को घायल हो जाना पड़ता है। अब खबर क्या है वो बताते हैं। हिंसक झड़प हुई है हाजीपुर में। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के बेलका गांव की है। दो पक्षों में लड़ाई के बाद फायरिंग तक बात पहुंच जाती है। 3 लोग घायल हुए हैं और सभी को बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना आज की नहीं है, कल रात की है, जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा था उसके बाद की ये घटना है। और आज सवेरे की कई घटनाएं भी आपने देखी हैं। बताया जाता है कि छठ के घाट पर बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे, इसे लेकर विवाद हुआ था। दो पक्ष भिड़ गए और उसके बाद घर पर जब कोसी के लिए हाथी बैठाकर पूजा हो रही थी तो यहां बच्चों की ओर से पटाखा फोड़ा जा रहा था। एक पक्ष के दरवाजे पर चिंगारी गिरने के बाद विवाद शुरू हुआ। लाठी डंडे से शुरू हुआ यह विवाद गाली गलौज तक पहुंचा और उसके बाद फायरिंग तक बात पहुंच गई और गोली लगने से प्रदीप राय, प्रमोद राय और मुकेश कुमार नाम के जो शख्स हैं वो घायल हो गए। और इसके बाद आरोपी जो है गोली चलाने वाले मौके से फरार भी हो गए। घायलों का इलाज जो है चल रहा है, भर्ती कराया गया है अस्पताल में। अब लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। अब मामले में सदर SDPO ओम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वैशाली थाना क्षेत्र के बेलका गांव में पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में जो विवाद हुआ वो विवाद इतना बढ़ा कि यहां गोलीबारी हुई। 3 लोग घायल हुए हैं और इन तीनों घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बिहार में अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें, एक तरफ जहां छठ महापर्व का उत्साह दिख रहा था, एक तरफ जहां व्रतियों का उल्लास दिख रहा था, महापर्व में आस्था का प्रतीक लोग बन रहे थे और किस प्रकार बिहार का ये महापर्व अपने आप में इस बार भी अनूठा रहा है वो तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन बिहार के कई जिलों में छठ महापर्व के अवसर पर भी हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और हिंसक तस्वीरें कई हमने आपको दिखाई हैं और यह भी बताया है कि कैसे लोग जो हैं वो आपसी विवाद में गोलीबारी कर बैठते हैं। और लखीसराय में तो गजब ही हो गया है, वहां तो एक तरह से कहें कि अंधाधुंध फायरिंग की गई है एक ही परिवार के लोगों पर। अब हाजीपुर वैशाली में भी जो बड़ी घटना हुई है उसके बाद भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ का अभियान चला रही है। ऐसे में जो 3 लोग घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए भर्ती तो कराया गया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर बिहार में इस तरह लोग बेकाबू क्यों हो जा रहे हैं। बच्चों के विवाद में गोलीबारी तक घटना पहुंच जाती है और छठ महापर्व के इस अवसर पर माहौल जो है मातम में तब्दील हो जाता है। अब इंतजार इस बात का करना है कि पुलिस आगे इसमें क्या करती है, कितने लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।